हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो मुनि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते वंदे तो सव सिद्धे धूमचल मनोवयं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़ समय सार परमागम की कर्ता कर्म अधिकार की गाथा नंबर 97 पर हमारी चर्चा चल रही थी। इसमें अज्ञानी क्या हो, अज्ञानी का कैसा स्वरूप है, यह चर्चा अपनी टीका के पहले पैराग्राफ में हो गई थी। अब दूसरा पैराग्राफ में, और जब आत्मा ज्ञानी होता है तब क्या मतलब है? देखो, और जब आत्मा ज्ञानी होता है, जब कहकर के वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब कहकर के वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस आत्मा को किसी ने अज्ञानी भी नहीं किया और कोई इसको ज्ञानी भी नहीं कर सकता। जब तक ये अपने स्वरूप को नहीं जानता, अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करता, तब तक अज्ञानी रहता है, और जब अपने स्वरूप को जान लेता है तब ज्ञानी हो जाता है। यानी बहुत सीधी सीधी बात है, जब और तब कहकर के किसी दूसरे का दोष हम निकालें कि हम अज्ञानी क्यों हैं, कि क्या करें, हमारे कर्म का उदय है। ज्ञानी कैसे होएंगे कि जब हमारे कर्म का उदय कम हो जाएगा, मंद हो जाएगा, शिथिल पड़ जाएगा, कि तब होगा तब हम ज्ञानी होंगे। कहते इस बात में कुछ भी दम नहीं है। सच्चाई क्या है यहां पर कि आत्मा अज्ञानी था, वो भी अपनी विपरीतता के कारण था, अपनी उंधी दृष्टि के कारण था। और आत्मा ज्ञानी होता है तो ज्ञानी भी अपने ही सम्यक पुरुषार्थ से अपने स्वभाव का अनुभव करके स्वयं ज्ञानी होता है। तो अब क्या कहते हैं यहां पे कि अज्ञानी था तब क्या परिस्थिति थी, किस तरह अपने को कर्ता मानता था, और उसके बाद जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के तब उसके नहीं तब ज्ञान के कारण ज्ञान के प्रारंभ से लेकर पृथक स्वाद का स्वादन यानी अनुभवन होने से उद्गल कर्म के और अपने स्वाद का एक रूप नहीं किंतु भिन्न भिन्न रूप अनुभवन होने से, जिसकी भेद ज्ञान भेद संवेदन शक्ति खुल गई है। बस क्या था अज्ञानी का, क्या था अज्ञानी का, यह था कि उसकी भेद ज्ञान की शक्ति खुली नहीं थी। आगे बात समझ, भेद ज्ञान की शक्ति संकुचित हो गई थी, कुमला गई थी, जिसे अपन बोलते ना मुरझा जाना। मैंने भेद तो तब भी था, ध्यान से सुनना, कि जिस समय अज्ञानी अभेद मानता था कि भाई साहब भेद तो तब भी था, क्योंकि अगर उस समय भी ज्ञान आत्मा में और राग में भेद नहीं होता
तो भेद नहीं होता तो वो भेद ही तो नहीं मान रहा था, फिर तुम उसे अज्ञानी कैसे कह रहे हो? माने हम उसे अज्ञानी कह रहे हैं ना, आचार्य कह रहे हैं अज्ञानी कह रहे हैं ना, भेद ज्ञान की शक्ति उसकी मुंद गई है। इसका मतलब क्या कि भेद तो था, होता क्या था, भेद दिखता नहीं था। जैसे किसी आदमी की आंख में कोई प्रॉब्लम आ जाए और आंख से दिखना बंद हो जाए, तो दिखना बंद हो जाए तो ये हॉल में जो चीजें लगी है, जो फोटो लगे हैं, जो अलमारियां लगी हैं, जो किताबें हैं, जो 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 कुछ भी यहां की व्यवस्था है, वो है या नहीं? कि किसी को नहीं दिखती तो कि नहीं दिखने से इनके नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं है। समझ में आगे नहीं आया कि तुम नहीं दिखती तो ये तुम्हारी दृष्टि का दोष है, पदार्थ का दोष नहीं है। और उसने ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराने के बाद आंखों की देखने की शक्ति खुल गई तो उसने कहा वाह क्या बढ़िया बढ़िया चीजें आई। अरे आई कहां, आई थोड़ी है, ये तो पहले से है। इसी तरह आत्मा में और राग में देखो, ये एक सूत्र ऐसा गजब का सूत्र है कि जिस एक सूत्र ने सोनगढ़ को सम्यक तो तीर्थ बना दिया। गुरुदेव श्री थे, बहनश्री थी, इन लोगों को तो सम्यक सोनगढ़ के बाहर हुआ था, सोनगढ़ में नहीं हुआ इनको सम्यक, सोनगढ़ के बाहर सम्यक लेके आए थे, सोनगढ़ में सम्यक के साथ आए थे। तो लेकिन सोगानी जी ने गुरुदेव श्री का एक वाक्य सुना था, वो क्या वाक्य था हा? यही तो वाक्य था ना कि राग अने ज्ञान जुदा छे। समझ आ गया? मैंने कहा, मैं तो कभी कभी जब सोनगढ़ की बात चलती ना तो ऐसे मजाक मजाक में लोगों को बोलता हूं। मैंने कहा देखो गुरुदेव श्री बहिश्री या जो भी ये सम्यक ज्ञानी थे कि ये तो सोनगढ़ में सम्यक तो लेके आए थे, लेकिन सोनगढ़ को सम्यक भूमि नाम देने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो मैंने कहा वो हमारे हिंदी प्रांत वालों को जाता है, ध्यान रखना। मैंने कहा तुम ये मैं समझना क्या, हम ये समझते ना क्या, हम गुजराती राम हिंदी। मैंने कहा ये भेद मत करना। मैंने कहा सोनगढ़ को सम्यक तीर्थ बनाने का श्रेय और वो हिंदी प्रांत में भी, कौन सा प्रांत? राजस्थान प्रांत। मैंने कहा हम उस भूमि के लोग हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी बताओ कि जिस समय सोगानी जी वहां गए, गुरुदेव से ये वाक्य सुना, पहले क्या मानते थे? सारे ज्ञानियों की यही बात है, जो पहले अज्ञानी से ज्ञानी बनते सभी की बात हुई है। सोगानी जी कहते हैं कि अपन इस बिंदु से उनको सम्यक हुआ इसलिए अपन उनका उदाहरण ले लेते हैं। लेकिन जिस समय वो राग और आत्मा को एक मानते थे, क्या उस समय राग और आत्मा एक थे? क्योंकि अगर राग और आत्मा एक होते तो एक को एक मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन कैसे हो गया? एक को एक मानने का नाम तो सम्य दर्शन हुआ। तभी हुआ क्या कि हुआ ये कि उनको राग और ज्ञान भिन्न तो थे लेकिन भिन्न अनुभव में आ गए, इसका नाम है भेद ज्ञान शक्ति, भेद संवेदन शक्ति, भेद का अनुभव करने की शक्ति खिल गई। और जब भिन्न होने पर भी भिन्न अनुभव में नहीं आते थे तब क्या था? भेद संवेदन शक्ति मुंद गई। अपन लोगों की क्या स्थिति है? देखो ज्ञान और राग तो अपना भी भिन्न है, माने चाहे नहीं माने, शरीर और आत्मा भिन्न है कि एक में के? सर्वथा के कथंचित सर्वथा है ना, कि सर्वथा भिन्न है। और अज्ञानी को सर्वथा एक में अनुभव में आता है, क्यों? क्योंकि सर्वथा एक में अनुभव में नहीं आवे तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जब उसको एक में अनुभव में आ रहे हैं
और उस अनुभव को आप मिथ्यात्व कह रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी समय वह सर्वथा भिन्न है। छटाला में लिखा नहीं लिखा, देह जीव को एक गिने बैरातम तत्व मुधा है, है ना। और समय सार में इसी लाइन का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे अपन, राग जीव को एक गिने कौन सा तत्व, बहिरात्म तत्व मुदा है, तो उसको बहिरात्मा कहेंगे जो राग और आत्मा को एक मानता है। क्यों? क्योंकि यहां यह कहा कि राग है वो भावक का भाव है, वो कर्म का भाव है, वो कर्म का अनुसरण करके पैदा हुआ भाव है, वो तेरे भगवान आत्मा का अनुसरण करके पैदा हुआ भाव नहीं, वो तेरे में, वो तेरा उत्पाद नहीं है, यूं कहने का मतलब है। तो आत्मा परणमन करके, आत्मा परणमन करके राग करे ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे ना कि गुड़ की भेली अगर पिघलेगी तो उसका रस मीठा होगा, तो आत्मा यदि आत्मा का जो परणमन होगा उस आत्मा के परणमन का नाम तो निर्मल परणमन है। आप देखो समय सार की जो शैली है, समय सार में अंत में 47 शक्तियों का वर्णन आया बराबर। अभी उन 47 शक्तियों में क्या लिया पता है, उछलती हुई शक्तियां ली है। एक ज्ञान मात्र की अंतपातिनी में अनंत शक्तियां एक साथ उछलती हैं। तो उछलती है का मतलब क्या, शक्तियां उछलती है, तो शक्तियां उछलती है इसका मतलब क्या, शक्तियां निर्मल पर्याय रूप से परिणमती है। क्यों? क्योंकि अगर उछले नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि यह शक्ति का परिणमन है। भाई आप ध्रुव तत्व का पता, क्या ध्रुव तत्व का पता ध्रुव तत्व से नहीं लगता, ध्रुव तत्व का पता उसके परिणमन से लगता है। माने जो पर्याय है ना, कि वो पर्याय उस ध्रुव तत्व का परिचय देती है, वो पर्याय बताती है कि ध्रुव तत्व ऐसा है, अनंत शक्ति संपन्न प्रभु है, ये परिचय उस तत्व का लक्ष्य करके परिणमने वाली पर्याय देती है। और इसलिए समय सार में निर्मल परिणमन को आत्मा का परिणमन माना है, विकारी परिणमन को आत्मा का परिणमन माना ही नहीं। क्या मतलब? अच्छा एक बात बताओ, जो रोटी जल जाती है उसे आप रोटी कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ये रोटी है खाओ, कहते हो ना, रोटी कहते हो ना, रोटी है ना, कि जल गई उसे कचरा कहते हैं, रोटी नहीं कहते, नहीं कहते। क्या कहा? जो जल गई उसे कचरा कहते हैं, जो बिगड़ गई उसे कचरा कहते हैं, उसे रोटी नहीं कहते। दाल हो और जल गई हो तो क्या कहते हैं, कचरे में डालो इसे। कचरे में क्यों डालो, दाल तो खाते हो। कि तो बिगड़ गई ना, तो बिगड़ गई उसे कचरा कहते हैं, उसे वस्तु नहीं कहते। तो ये एक शैली है समय सार की, ये शैली है कि जो बिगड़ी हुई पर्याय है उस बिगड़ी हुई पर्याय को हम आत्मा नहीं कहते, हम आत्मा का परिणमन नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आत्मा परिणमन करके वैसी बिगड़ी हुई पर्याय करे ऐसा आत्मा में कोई गुण नहीं है। ज्ञानी हुआ तो कोई नया काम नहीं किया उसने, हेल में है ना, नया काम नहीं किया। क्या काम किया? कि भेद था, उस भेद के संवेदन की शक्ति उसकी खुल गई, तो भेद था और वह भेद उसे अनुभव में आ गया। हो गया क्या? मैंने देखो एक चीज समझो, कि जैन दर्शन और जैन दर्शन के द्वारा कहा गया मुक्ति का मार्ग कितना सरल है। जैसा है वैसा तुझे अनुभव में आ जाए, इसका नाम धर्म, इसका नाम मोक्ष मार्ग। और जबरदस्ती हम पसीना बहा रहे हैं,
ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, है ना, बिल्कुल सांस फूल रही है, करने करने के नाम पर सांस फूल रही है। और ऐसे ही उपदेशक मिलेंगे, है ना, करेला कड़वा और ऊपर से नीम चढ़ा, ये कहावत है लोक में कि पहले ही तो कर्तत्व कर्ता बाद के अहंकार से जीव ग्रसित है और फिर उसको ये करो धर्म के लिए, ये करो धर्म के लिए, ये करो। अरे भाई साहब, धर्म के लिए कुछ नहीं करने का नाम धर्म है। सिद्ध भगवान क्या करते हैं बोलो, सिद्ध भगवान क्या करते हैं, अच्छा बताओ आप क्या करते हैं, मैंने इस भाषा में पूछा है, क्या करते हैं, तो क्या उत्तर होना चाहिए कि कुछ नहीं करते। कृत कृत्य बोलते हैं कि नहीं बोलते उनको अपन, कृत कृत्य है, कृत कृत्य बोलते हैं ना, कि कुछ नहीं करते। तो सिद्ध भगवान को अधूरा धर्म है या पूरा धर्म है, पूरा धर्म है। तो मैंने इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नहीं करने का नाम धर्म है। तो धर्म की शुरुआत कहां से होगी, कि अगर कुछ नहीं करने का नाम धर्म है तो धर्म की शुरुआत कुछ नहीं करने से होगी। कुछ नहीं करना ये नास्ति, अस्ति से बोलेंगे तो ज्ञाता, अस्ति से मतलब ज्ञाता। वो ज्ञाता के नाम, हमारी आदतें क्या पड़ गई है कि ज्ञाता कहेंगे ना, जानने के नाम पर, जानना तो है ना मुझे, तो जानने का भार अपने माथे पर लेके घूमता है, तो मुझे जानना तो है ना। अरे भैया, जानना तेरा स्वभाव है और स्वभाव में कभी भार नहीं होता, तो तू जानने का भार अगर अपने माथे पर लेता है, समझ आ गया ना, तो तू जानने के अलावा तेरे मन में कुछ और है, बात जानने की करता है लेकिन मन में कुछ और है। शक्कर मीठी है, तो शक्कर मीठी है तो मीठा बने के लिए शक्कर को कितना भार लेना है। नींबू खट्टा है तो खट्टे बने के लिए नींबू को कितना भार लेना है। मुझे खट्टा होना है, मुझे, अरे होना है कि है, मुझे जानना है, जानना है कि जानता है। देखो, ज्ञानी जानता है और अज्ञानी जानना है, ये विकल्प करता है। आ गया, मुझे जानना है, मैं जानने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं। तो जानने वाला है तो जानने वाला रहना, मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, ये जानने वाला हूं ऐसा विकल्प भी क्यों करता है। आ गया, इसका मतलब ये होता है कि अभिप्राय में कुछ घोटाला है। कोई आदमी बार बार चर्चा चलती हो ना, नहीं नहीं मैं कुछ करता नहीं, मैं तो निमित्त हूं बस, समझ में क्या बोले, क्या बोले, मैं तो निमित्त हूं, मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं तो निमित्त हूं। आ गया, भाषा बोल रहा है निमित्त की और अंदर में अभिप्राय क्या पड़ा भाई। अरे अगर तेरे को कर्ता पने का अभिप्राय नहीं पड़ा तो तुझे बार बार मैं तो निमित्त हूं, मैं तो निमित्त हूं, मैं तो निमित्त हूं, ये भाषा तेरी आ क्यों रही है। ये भाषा तेरे अंदर के अभिप्राय के चोर को बताती, आचार्य भगवान ये कहते हैं। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, जिसकी भेद विज्ञान, क्या करता है ज्ञानी, कि दोनों के भिन्न स्वाद का अनुभवन होने से मैंने पुद्गल कर्म के और अपने स्वाद का एक रूप नहीं किंतु भिन्न भिन्न रूप अनुभवन होने से क्या हुआ, जिसकी भेद संवेदन शक्ति खुल गई है। आ गया, ऐसा होता है इसलिए वह जानता है कि क्या जानता, अब ज्ञानी क्या जानता है, क्या जानता है कि अनादि निधन कैसा भगवान आत्मा स्वाद में आता है, अनादि निधन, अनादि निधन, अनादि शुरुआत नहीं हुई, अ इसमें भी लग जाएगा, अनिधन, अनादि निधन माने अनादि, अ अ माने नहीं है आदि जिसकी, अ माने नहीं है निधन जिसका, ऐसा अनादि निधन
दूसरी भाषा में कहें तो इसको अपन अनादि अनंत भी कह सकते हैं। तो अनादि निधन और कैसा, निरंतर स्वाद में आने वाला। देखो देखो क्या गजब की बात कह रहे, निरंतर स्वाद में आने वाला। तो क्या बात कर रहे हो, अभी ज्ञानी हुए तब से स्वाद में आ रहा है और तुम तो कह रहे हो निरंतर स्वाद में आने वाला। इसकी दो अपेक्षाएं, एक तो जब से स्वाद में आया भगवान आत्मा का, जब से स्वाद में आया तब से वो स्वाद अब निरंतर चलेगा। ये बात तो सबको स्वीकार है कि एक बार सम्य दर्शन हुआ है ना, और मैंने कहा था अमृतचंद्र आचार्य है ना, ये सूरवीर हैं, क्षत्रिय कुल के हैं, ये याद होगा आपको, कहा था कि क्षत्रिय कुल के हैं, इसलिए ये अपन बणियों की तरह लड़ाई ओवर जैसे वो गड़ा हुआ पत्थर उठाने की कोशिश करे ना कोई आदमी, ये ऐसा नहीं है इनका स्वरूप। अमृतचंद्र आचार्य का स्वरूप तो ऐसा है एक वार और दो टुकड़े, समझ गया। तो एक तो वो निरंतर अनुभव में आता हुआ, निरंतर स्वाद में आने वाला, यानी एक तो वो ये कह रहे हैं कि जो एक बार अब ये आत्मा के अतिंद्रिय आनंद का संवेदन चालू हुआ, आत्मा का अनुभव चालू हुआ कि ये अनुभव अब निरंतर रहेगा। बीच में सम्यक तो छूट गया तो मिथ्या दर्शन आ गया, तो आचार्य कहते हैं छूट गया मिथ्या दर्शन आ गया इसकी बात हम करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी किताब में ये बात है ही नहीं। गुरुदेव का कल एक प्रवचन पढ़ रहा था, उसमें गुरुदेव ने बोला हमारा हमारा चौपड़ामा आप बात नहीं, द्रव्य पड़े तो पर्याय पड़े, द्रव्य गिरे तो ये निर्मल पर्याय सम्य दर्शन की पर्याय गिरे। वहां तो सीधी बात है कि कोई होगा गिर भी जाते होंगे, लेकिन जो गिर जाते हैं वे कभी भी हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हम उनकी चर्चा करना भी पसंद नहीं करते। कोई दुकान लगावे, व्यापार चालू करे, और व्यापार चालू करने के साथ जैसे ही व्यापार शुरू करने की बात हुई और किसी ने कहा कि हां ये व्यापार उनने भी किया था लेकिन 6 महीने चला उनका, तो क्या कहते हैं अपन लोग कि शुभ शुभ बोला करो। क्या बोलते हैं अपन लोग? शुभ शुभ बोला करो, मतलब 6 महीने में उसका बोल्ड उल्टा नहीं हुआ था क्या? कि जिसका बोल्ड उल्टा हो जाए वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता। होगा कोई गिर भी गया होगा, लेकिन यहां तो आचार्य देव कहते हैं निरंतर स्वाद में आता हुआ, एक अर्थ तो ये। और दूसरा अर्थ ये कि देखो ये भगवान आत्मा तो अनादि निधन और निरंतर स्वाद में आता था आने वाला। क्या मतलब? कि देखो भैया भगवान आत्मा तो अनादि से ही तुझे स्वाद में आ रहा था, लेकिन वो स्वाद में आ रहा है इस बात का तुझे स्वीकार नहीं था। और ये बात कौन सी गाथा में ली? कि 17-18 नंबर की गाथा, दोनों अर्थ लग सकते हैं। कि 17-18 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने कहा कि ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा माने ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको। गुरुदेव ने बहुत अच्छा अर्थ किया इसका, नैरोबी का प्रवचन सुन लेना, वीडियो प्रवचन है, बहुत गजब का अर्थ किया आबाल गोपाल सबको। तो गुरुदेव ने इतने अर्थ किए, अरे निगोद के जीव को भी, अरे अभव्य जीव को भी, निगोद से लगाकर सिद्ध तक को सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा स्वयं ही अनुभव में आ रहा होने पर भी। तो क्या मतलब? कि अनुभव तो अज्ञान दशा में भी आत्मा का हो रहा था, अज्ञान दशा में भी ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आ रहा था, लेकिन भगवान आत्मा जानने में आ रहा है इस बात का स्वीकार नहीं था।
क्यों नहीं था? क्योंकि उसी ज्ञान की पर्याय में पर गयाकार भी बनते थे, पर संबंधी गयाकार भी बनते थे। तो इस अज्ञानी की रुचि अनादि काल से पर गेयों के ऊपर होने से उन पर गेयों की प्रसिद्धि में यह रुक गया, और उसी ज्ञान की पर्याय में स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव होने की वजह से जानने वाला भगवान आत्मा जानने में आ रहा होने पर भी जान रहा है ऐसा मानता नहीं। ख्याल में आ गया? और अभी क्या हुआ कि अभी जानने में आ रहा है इसको मानने लगा कि हाँ अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। इसको अपन दूसरी भाषा में समझें, कोई जीव ये बताओ कि जिसको जानना जानने में नहीं आ रहा हो, बता दो कोई ऐसा जीव। कोई कहे साहब अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा के, अरे जानना जानना किसके जानने में नहीं आ रहा, बताओ कोई जीव ऐसा कि जानना उसके जानने में नहीं आ रहा। तो जानना जानने में आ रहा है, ये जानना क्या है? ये जानना आत्मा ही तो है, नहीं आया समझ में? जानना क्या है? तो जानना किसके जानने में नहीं आ रहा? अरे जो ये कह रहा है कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा, क्या क्या कह रहा है? मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा। तो आचार्य ने कहा कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा, ये किसे जानने में आ रहा है? ये किसकी सत्ता में जानने में आ रहा है? एक बालक ने गुरुदेव से प्रश्न किया, और गुरुदेव श्री की एक बहुत बढ़िया माने एक उनकी रीति नीति थी कि कोई बालक प्रश्न करे भले उसके प्रश्न में कुछ दम नहीं हो, लेकिन बालक ने जिज्ञासा से प्रश्न किया ना तो लगातार दो चार दिन उनके प्रवचनों में वो बात आएगी। देखो वो छोकराओ केटला प्रश्न करे छे। तो एक बालक ने गुरुदेव से प्रश्न किया कि साहब आप कहते हो आत्मा को देखो, ठीक है, तो जब हम आंख खोलते हैं तो ये सारा उजाला ये सारा जगत हमको दिखता है, और जब हम आंख बंद करते हैं तो हमें अंधेरा दिखता है। आगे बात समझ, अंधेरा दिखता है। अब हम आत्मा को कैसे देखें ये बताओ। गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि बेटा ये जो अंधेरा तुम्हें दिखता है, ये अंधेरा अंधेरे में दिखता है या ज्ञान में दिखता है? कि जिसकी सत्ता में तुझे यह अंधेरा है ऐसा दिखा तो उसी का नाम आत्मा है। श्रीमद जी ने तो एक बहुत बढ़िया बात कही, उनने कहा कि ये आत्मा तो ऐसा गजब का तत्व है कि तुम इसकी नास्ति करने जाओगे उसमें इसकी अस्थि खड़ी होगी। क्या मतलब? कि नास्ति का मतलब क्या है? कि नहीं है, यही होगा ना, नास्ति माने उससे इनकार, उसका निषेध। तो कोई अज्ञानी ये कहेगा नहीं आत्मा नहीं है, कि आत्मा नहीं है ये किसने निर्णय किया बता? आत्मा नहीं है का निर्णय किसने किया? किसकी सत्ता में यह निर्णय हुआ कि आत्मा नहीं है? अरे जिसकी सत्ता में यह निर्णय हुआ वही आत्मा है। आ गया? तो ये आया ना, निरंतर स्वाद में आ रहा है। तो दो तरह से इसके अर्थ अपन कर सकते हैं कि स्वाद में पहले भी आ रहा था, पहले तू ये मानता नहीं था कि मुझे स्वाद में आ रहा है। क्यों? क्योंकि तेरा लक्ष्य ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशक होने से स्व के साथ पर का प्रकाशन भी एक अखंड ज्ञान की पर्याय में हो रहा था। ज्ञान की पर्याय अखंड, और अखंड ज्ञान की पर्याय में स्वपर प्रकाशक बना अखंड।
ऐसा नहीं कि ज्ञान के इतने हिस्से में तो स्व जानने में आएगा, ज्ञान के इतने हिस्से में पर जानने में आएगा, है ना, इतनी बज के इतने मिनट पर स्व जानने में आएगा और उसके इसके इतने बज के इतने मिनट के बाद पर जानने में आएगा, ऐसा नहीं ना। प्लेटफार्म पे ये गाड़ी आएगी, फिर ये गाड़ी रवाना होगी, तब दूसरी गाड़ी आएगी, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा होता है ना प्लेटफार्म पे, तो ऐसा ही होता है। एक गाड़ी खड़ी है तो दूसरी गाड़ी कैसे उस प्लेटफार्म पे आवे, है ना। लेकिन ये ज्ञान का प्लेटफार्म कैसा है कि इस ज्ञान के प्लेटफार्म पर ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। इस ज्ञान के प्लेटफार्म पर स्व पर प्रकाशक इसका स्वरूप है। तो स्व के साथ पर और पर के साथ स्व जानने में आ रहा। अब अज्ञानी का लक्ष्य किधर है, तो अज्ञानी का लक्ष्य पर के ऊपर होने से स्व जानने में आने पर भी स्व को जानता नहीं, और जानता नहीं इतना ही नहीं, हर समय निषेध कर रहा है। ये मिथ्यात्व का पाप क्यों बांध रहा है आपने, हर समय मिथ्यात्व का पाप क्यों बांध रहे अपन लोग। हम ये कह रहे हैं हमें आत्मा जानने में नहीं आता, तो हमें आत्मा जानने में नहीं आता और आत्मा वास्तव में जानने में आ रहा है, और जानने में आने पर भी हम हर समय उसका निषेध कर रहे हैं, इसलिए हर समय मिथ्यात्व का पाप बांध रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्व प्रकाशन का निषेध किया ना, एक। और दूसरा अर्थ क्या किया कि निरंतर स्वाद में, कि जिस समय अब यह निर्विकल्प अनुभव हुआ, अब सिद्ध दशा तक यानी अनंतानंत काल तक यह अनुभव कायम रहेगा। सम्यक दर्शन से आत्मा के अनुभव की शुरुआत हुई और यह अनुभव कब तक कायम रहेगा, हैं? तो अनंत काल तक। सिद्ध दशा पूरी होने पर, सिद्ध दशा की प्राप्ति होने पर अनुभव की पूर्णता होगी और वो पूर्ण अनुभव अनंत काल तक रहेगा, उसमें एक समय का भी गैप नहीं पड़ेगा। देखो दो बातें समझ लेना, कि अपन ये प्रश्न कर सकते हैं कि सिद्ध भगवान को तो वेदन रूप अनुभव है, शुद्धोपयोगियों को वेदन रूप अनुभव है, और यहां ज्ञानी को निरंतर स्वाद में आता हुआ आने वाला, ऐसा आप कैसे कह रहे हो? ज्ञानी को उपयोग कभी कभी हो लेकिन परिणति निरंतर चालू है। ख्याल में आया? चौथे गुण स्थान में उपयोग कभी कभी होता है लेकिन परिणति चालू है। पांचवें गुण स्थान में उपयोग कभी कभी होता है लेकिन परिणति चालू है। मुनिराज को छठे गुण स्थान में उपयोग नहीं है, सातवें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होगा लेकिन शुद्ध परिणति चालू है। आया? तो वो परिणति जो है ना, तो उस परिणति को भी अनुभव कहते हैं, और उपयोग में अनुभव का उग्र रूप होता है। पूर्वे से प्रश्न किया है ज्ञान गोष्ठी में कि परिणति और उपयोग में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा कि उस परिणति का उग्र रूप उपयोग है। आ गया? तो वो यहां पे कहा कि आने वाला फिर क्या हुआ, समस्त अन्य रसों से विलक्षण माने भिन्न, समस्त अन्य रस विभाव रस, उन समस्त रसों से विलक्षण अत्यंत मधुर चैतन्य रस ही जिसका एक रस है। तो साहब हम आत्मा का अनुभव करें तो ऐसा तो नहीं है ना रूखा सूखा आत्मा हो। क्या आपको पता है ये 49 गाथा है ना समय सार की, 172 प्रवचन सार की, मैंने पांचों परमागमों में जो अलिंग ग्रहण की गाथा जिसको अपन बोलते हैं वो पांचों परमागमों में है। तो वहां पर आचार्य देव ने अरस अरूप अगंधम यहां से शुरू किया, मैंने अरस शब्द से शुरू किया रस, जबकि क्रम क्या होता है, देखो एक एक चीज समझना, क्रम होता है पुद्गल का वर्णन करने का, एक क्रम होता है कि या तो आप स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे शुरुआत करेंगे, माने या तो स्पर्श से वर्ण तक जाओगे और या वर्ण से स्पर्श तक जाओगे। आगे बात समझ में, माने या तो ये बोला जाएगा स्पर्श रस गंध वर्ण मैं नहीं हूं, अथवा ये बोला जाएगा वर्ण गंध रस स्पर्श मैं नहीं हूं। कि आचार्य भगवान ने रस से शुरुआत क्यों की, यह क्रम क्यों बदला? तो गुरुदेव श्री ने
जब इस गाथा पर प्रवचन किया, 49 नंबर की गाथा है, समय सार सिद्धि भाग 3 में गुरुदेव श्री का एक प्रवचन है, आप उसे पढ़ लीजिए। तो उसमें यह प्रवचन में गुरुदेव ने कहा कि यहां अरस से बात शुरू क्यों की, कि भाई सारे जगत के जीवों को रस प्रिय है। क्या प्रिय है बोलो? रस प्रिय है ना, कि रस प्रिय है। तो पुद्गल का रस आत्मा में नहीं होने पर भी आत्मा चैतन्य के रस से छलाछल भरा है, माने तुझे ऐसे मधुर रस का स्वाद आएगा इस आत्मा की अनुभूति करने पर, तुझे ऐसे मधुर रस का स्वाद आएगा कि उस आत्मा के एक समय का स्वाद आने मात्र से तुझे चक्रवर्ती के भोग और इंद्र का इंद्रासन सड़े हुए तिनके जैसा लगेगा। और चक्रवर्ती के भोग और इंद्र के इंद्रासन की जगत में किसी से तुलना नहीं की जा सकती, इतना उत्कृष्ट पुण्य होता है। आया? कैसा लगेगा कि चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग और काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। कव्वे की पीठ कहा, कबूतर की नहीं कहा। क्या है एक एक, देखो जिसने भी लिखा होगा ना बहुत सोच समझ के लिखा है कि कव्वे की पीठ क्यों कहा, कबूतर की क्यों नहीं कहा। कारण कबूतर की पीठ दवा में काम आती है, नहीं थोड़ा हो जाए ना फोड़ा, उस फोड़े पर कबूतर की बीट ऐसे लगा दो, उसको पका करके उसका मवाद निकाल देगी, इतनी गर्मी इतनी हीट होती है उसमें। ये आयुर्वेद की दवा में, फोड़े पुंसी की दवा में कबूतर की बीट काम आती है। इसलिए कव्वे की बीट का दृष्टांत दिया, वो किसी काम की नहीं है। तो एक बार का अनुभव, सम्यक दर्शन का एक क्षण का अनुभव, आत्मा का एक क्षण का अनुभव, अरे जिस अनुभव के सामने कव्वे यानी चक्रवर्ती की संपत्ति, सामान्य संपत्ति नहीं होती, छह खंड के वैभव का स्वामी होता है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके अधीन होते हैं, 96 करोड़ सैनिक होते हैं, इतने ही ग्रामपुर होते हैं, 96,000 स्त्रियां होती है, 6 खंड का वैभव होता है, और जिसका भोजन कितना गजब का कि 360 रसोइया हेड होते हैं, रसोइया नहीं रसोइया हेड, और उसका उस एक रसोइया हेड के अंडर में एक टीम होती है, और वो टीम का काम क्या है कि चक्रवर्ती को एक दिन भोजन कराने का नंबर आता है साल में, ऐसे 360 टीमें होती है ना। और उसका भोजन कितना गरिष्ठ कि उसके भोजन का एक ग्रास केवल उसकी पटरानी पचा सकती है, बाकी उसके एक ग्रास को यदि 96 करोड़ सैनिकों में बांट दो आप और वे इसे खावे, एक ग्रास माने 1,000 चावल के तुल्य एक ग्रास होता है, एक ग्रास का मतलब 1,000 चावल के बराबर माना गया उसको, तो वो होता उसको बांट दो और वे चखे उसे तो उन्हें पेचिस की बीमारी हो जाए। गुरुदेव श्री की भाषा में कहूं तो चक्रवर्ती का एक एक ग्रास करोड़ों रुपए की कीमत का होता है, क्योंकि उसमें भस्म होती, भस्म इतना उसका पुण्य। और सौधर्म स्वर्ग का इंद्र का पुण्य कितना कि 32,00,000 विमान, कितने विमान, और एक एक विमान का कितना, एक एक विमान में कितने कितने देव, असंख्यात असंख्यात देव, कुछ विमानों में संख्यात बाकी असंख्यात असंख्यात देव, और एक एक देव की संपत्ति कितनी कि इस 600 करोड़ की आबादी वाली वर्तमान दुनिया में टॉप 10 धनपतियों की संपत्ति इकट्ठी कर लो, उस देव की एक माला की कीमत नहीं चुका सकते वो, समझ आ गया। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, देवों की इतनी रिद्धि सिद्धि होती है, समझ आ गया। ऐसी रिद्धि सिद्धि
जिस आत्मा के अनुभव के सामने सड़े हुए तिनके के जैसी लगे, कव्वे के बीट की जैसी लगे, वो आत्मा की अनुभूति कैसी होगी जरा विचार कर ले। आ गया? तो ऐसा अनुभव में आने वाला मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है, तो अलग दुनिया में जीता है। सोगानी जी ने लिखता है, लिखे, कलकत्ता में एकमात्र अकेला मैं सुखी हूं, किस दम पर लिखते थे वो, जबकि आर्थिक परिस्थिति उनके जीवन काल में, उनकी आर्थिक परिस्थिति अंत अंत में भले ही सुधार आया, लेकिन जितने झंझावात सोगानी जी ने देखे हैं, आप उनके पत्र पढ़ोगे ना, गुरुदेव के दर्शनों के लिए सोनगढ़ की मिट्टी के लिए तरसते थे और गुरुदेव के दर्शन नहीं हो पाते थे, व्यापारिक झंझटों में इतना उलझना रहना पड़ता था आर्थिक स्थिति की वजह से, है ना। लेकिन वो आनंद की जो धारा, तो ये आ गया, मतलब पूरा कलकत्ता के शमशान जैसा लगता है, शमशान जैसा लगता है माने क्या मतलब, अरे कोई चेतनवंत दिखता ही नहीं, क्या मतलब है। कुंदकुंद आचार्य ने कहा कि एक होता है मुर्दा, कौन सा, जिसको चार चार आदमियों की कंधे पर जिसकी अर्थी जाती है, एक तो वो होता है मुर्दा, और एक मिथ्या दृष्टि, तो उनने कहा कि वो चलता मुर्दा है, चलता शव, ये शब्द का प्रयोग किया। बोलो क्यों, क्योंकि अरे चेतन, तू चेतना, चेतन की चेतनवंतता तेरे में नहीं है, तो तू काय का जीवंत है, ऐसा कहकर के आचार्य कुंद देव ने मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को चलता शव कहा। ये आचार्य भगवान के कथन है, शेष चर्चा और कल कर